हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, जिसमें हमें थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ना है, जिसके थ्रू हम हमारी गुडविल वैल्यू करते हैं। राइट, पीछे दो हमने मेथड्स कर लिए थे, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज उसके अंदर हमने अदर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल किया था। ठीक है, आज है कैपिटलाइजेशन मेथड करने की बारे। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंडर दो और मेथड्स आते हैं, मतलब कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन मेथड्स ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स करने वाले हैं। अब वो क्या चीज है, लेट्स रीड दिस थिंग। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट्स निकालिए, वो मैंने आपको सिखा दिया था कि एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। राइट, तो वो हमने उसके थ्रू हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, देन एसर्टेन द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न दैट एवरेज प्रॉफिट। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसके थ्रू हमें ये पता लगाने की कितना कैपिटल होगा, रिक्वायर्ड होगा टू अर्न दैट एवरेज प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एवरेज प्रॉफिट 10,000 आ रहा है। अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट 10,000 आ रहा है और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है और 10,000 अगर एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे ये सर्टन करना पड़ेगा कि कितनी कैपिटल एक्चुअल में रिक्वायर्ड है ये एवरेज प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो वो कैसे निकालते हैं उसको देखो। जैसे एवरेज प्रॉफिट्स हुआ 10,000 इंटू 100 अपॉन दैट नॉर्मल रेट, तो ये 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वे आप अपनी एसर्टेन करोगे द कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न दैट एवरेज प्रॉफिट्स। कैसे, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन द नॉर्मल रेट। आई होप इट इज क्लियर। आगे मैं आपको पूरा क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगी, सो डोंट वरी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट रह जाता है। ठीक है, नाउ दिस कैपिटल, ये जो कैपिटल मिली है हमें, दिस कैपिटल इज कॉल्ड द कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स। इसको कहते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट। ऑलराइट, एंड द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर किया जाता है हमारा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स। अब एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि मैंने अपनी फर्म में कितना एक्चुअल में कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल के अंदर मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 50,000 था, कि मैंने इन्वेस्ट 50,000 किया है। अगर मैंने इन्वेस्ट 50,000 किया है और मेरा कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट 1,00,000 आ रहा है, तो बात सिंपल सी है कि रेस्ट ऑफ दैट 50,000 इज व्हाट, इट इज माय गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला भी यही होता है कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स माइनस योर एक्चुअल कैपिटल। यही फॉर्मूला, और इसे याद कर लीजिए, और ये हमारा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। सो सेकेंड वन इज कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, लेट्स रीड दिस फर्स्ट। फर्स्ट कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट्स। इस मेथड के अंदर हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकेंडली कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच प्रॉफिट्स, देन इज सर्टेन कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है फॉर अर्निंग सच प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू कि वो कैपिटल जो आएगी, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स है, उसी को हम गुडविल कहते हैं अंडर दिस मेथड। ठीक है, सो आई गिव एन एग्जांपल कि मेरा सुपर प्रॉफिट्स अगर आ रहे हैं, लेट अस सपोज 5,000, अगर मेरे सुपर प्रॉफिट्स 5,000 आ रहे हैं, देन आई नीड टू एसर्टेन कि कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होगा उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने की। बात बताओ, सुपर प्रॉफिट्स कैसे अर्न किए जाते हैं। सुपर प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारा एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट्स में से हम हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स को कंपेयर करते हैं कि कितना अगर फर्क आता है और कितना आता है, उसे हम सुपर प्रॉफिट्स कहते हैं। वो जो फर्क आ रहा है वो क्या है, दैट इज सुपर प्रॉफिट्स। और वो सुपर प्रॉफिट्स को अगर हम 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारी गुडविल की वैल्यू आती है। क्योंकि खुद सोचो, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो कम आ रहा है और जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो ज्यादा आ रहा है, उनका डिफरेंस जब हम लेते थे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आता था। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच दैट, तभी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा।
क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों यूज हो रहा है. तो सुपर प्रॉफिट्स हमें पता चल गया कि एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है. अब बात बताओ, अगर हम सुपर प्रॉफिट्स को इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो वो क्या आएगा? वो बेसिकली गुडविल ही तो आएगी ना, कि वो क्या एक्स्ट्रा वैल्यू है. सो दैट एक्स्ट्रा वैल्यू इज योर गुडविल. सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. अगर मेरा सुपर प्रॉफिट 5000 आ रहा है, नॉर्मल रेट लेट अस सपोज 10% ही है, तो हमारा गुडविल डायरेक्टली आ जाएगा 5000 इंटू 100 अपॉन 10 विच इज 50,000. सो गुडविल मेरी 50,000 आ जाएगी. सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है. सो क्वेश्चन कभी कभार क्या आता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों मेथड्स आ जाते हैं कि आपने निकाली गुडविल की वैल्यू थ्रू बोथ द मेथड्स. तो आपने ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी मेथड लगाया, जो मेथड है उसको उसी हिसाब से करना है. जो एवरेज प्रॉफिट था उसको एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से करोगे, सुपर प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट के हिसाब से करोगे, और कैपिटलाइजेशन को उसके हिसाब से करोगे. आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें हमें अब एवरेज प्रॉफिट्स को डील करना है. आपके सामने क्वेश्चन है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को पढ़ो. इस क्वेश्चन में हमें दोनों मेथड से सॉल्व करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. तो अब हम दोनों को सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्या वैल्यू आती है. सो द क्वेश्चन सेज, यहां पे मैं करूंगी सॉल्व कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड के हिसाब से, और यहां पे मैं करूंगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के हिसाब से. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स मेथड. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000 है, ठीक है. एवरेज प्रॉफिट्स इस मेथड के अंदर हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, वो ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन में. सो एवरेज प्रॉफिट 72,000, ओके. फिर कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. अगर नॉर्मल रेट 10% है तो वो भी लिख देते हैं. अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या होता था इस मेथड के अंदर, कि एवरेज प्रॉफिट्स आ गया, नॉर्मल रिटर्न आ गया, अब हमें वो कैपिटल निकालनी है कि व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर रनिंग सच एवरेज प्रॉफिट्स, राइट. तो वो कैसे निकालते थे कैपिटल? 72,000 इंटू 100 अपॉन 10, 720,000 आ गया कैपिटल. दिस इज द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, राइट. नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि क्या एक्चुअल कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में. डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने दे दिया कि एसेट्स की वैल्यू ये है, लाइबिलिटीज की वैल्यू ये है. तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज क्या होता है? कैपिटल होता है. वही हमारी एक्चुअल कैपिटल हो जाएगी. तो एक्चुअल कैपिटल क्या आ रही है? एक्चुअल कैपिटल आ रही है 9,70,000 माइनस 4,70,000 विच इज 5,70,000. और अब गुडविल निकालना बहुत सिंपल है. गुडविल का फॉर्मूला क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस द एक्चुअल कैपिटल विच इज 7,20,000 माइनस 5,70,000 विच इज 1,50,000 रुपीज. ये हमारी गुडविल आ गई. सो कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया. नेक्स्ट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. अब हमें इसके हिसाब से गुडविल निकालनी है. तो अब कैसे करते हैं? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट्स सर्टेन करते हैं. सुपर प्रॉफिट्स क्या होती है? एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है. अब सुपर प्रॉफिट्स निकालते हैं. क्वेश्चन में देखो, क्या हमें सुपर प्रॉफिट्स की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है? यस, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे निकालते थे? नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैसे निकालते थे? अगेन, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो हमारी एक्चुअल कैपिटल आती है उसको हम 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्चुअल कैपिटल आ रही है हमारी 5,70,000. सो 5,70,000 इनटू कितना है हमारा नॉर्मल रेट? 10%. सो इसका 10% करो विच इज 57,000. तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 57,000 आ रहा है, ठीक है.
तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है 72,000. तो अब सुपर प्रॉफिट्स निकालो इसमें. सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सो 72,000 माइनस 57,000 विच इज 15,000. तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स आ गए 15,000. अब हमने गुडविल का क्या फॉर्मूला किया था इस मेथड के अंदर, कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट इज 10% विच इज 1,50,000. तो क्या हमारी गुडविल की वैल्यू सेम आई? गुडविल की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है और वो सेम ही आती है चाहे कोई भी मेथड के थ्रू करो. लेकिन जब ये पेपर में आता है क्वेश्चन तो हमें दोनों मेथड करके दिखाने होते हैं. ऐसा नहीं है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में आप सुपर प्रॉफिट वाला मेथड घुसा दो और सुपर प्रॉफिट में आप एवरेज घुसा दो तो टीचर नंबर नहीं देगा. ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया. विद दिस वी आर डन विद द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होते हैं सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर टू आंसर यू. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थोड़ा आगे का पार्ट करेंगे. अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट आने वाली वीडियोस आपको पता चले. थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.